हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा आप आपके मोबाइल से कैसे अपनी घर की जो बिल आप आती है वो कैसे पेमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल फ़ोन पे से रिचार्ज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट पेज में ही ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये दबा देना है। फिर यहाँ पे आपका कौन सी ये है स्टेट है वो चॉइस करना होगा। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं योर प्रोवाइडर नेम, ठीक है, और जैसे वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है, देखिए आसाम आ गया, यहाँ पर सर्च कर सकते हो। और इधर देखिए ऑल बिल नेम, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जैसा है, तो मेरे यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं कस्टमर जो बिल पे जो एक आईडी होता है ना नंबर, वो मैं पे देखूँगा। तो मेरे पास है एक वो बिल पे जो शो हुआ होता है आईडी नंबर, वो दबाऊँगा। 20199 5947 5947 फिर क्या बोल रहा है, दी बिल क्या बोल रहा है, कुड नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट। फिर विल आर बैक पेंडिंग। अच्छा, मैंने इस बिल को अमेजोन से एक बार रिचार्ज करने की कोशिश की थी, वो अभी पेंडिंग में है। देखिए कितना सिक्योर है, इसी के लिए ये पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं और एक बिल आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका नंबर है 221566888886। फिर कॉन्फर्म करेंगे, यस करेंगे। ये जो ऑप्शन दिखा था ना, वो अगली बार की आपकी जो पेमेंट है वो देखिए, इधर ड्यू डेट 11 तारीख, और मेरा है बिल ये 153, और कस्टमर भी नेम दिखा दिया, देखिए काजल माझी है। ये बिल डेट स्टार्ट हुआ 28 तारीख को, मैं आप इसको पेमेंट करूँगा। तो इसको मैं इस यहाँ पर मेरे को सीवी चाह रहा है। और आप अगर क्रेडिट कार्ड आपको नहीं, ये मेरा तो क्रेडिट कार्ड एक मतलब पहले से रिचार्ज किया था, वो अभी ऐड हुआ होके रखा है। तो आपको अगर क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्रेडिट नंबर देंगे और ये करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड मेरा हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर सीवी दे के आपको दिखा रहा हूँ। मेरा सीवी है, ठीक है, मैंने सीवी दे दिया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यूज़ अनदर डेबिट कार्ड, अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो नीचे दिखाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर दे दिया और पे करूँगी। मेरे पास SMS आएगा, वो वहाँ पर देना पड़ेगा, बस हो जाएगा। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है फ़ोन पे से बिल रिचार्ज करना, और आप उम्मीद रखते हो आप भी कर पाएंगे बहुत ही इजी से। जिसको पता नहीं एक बार देख लीजिए, अगर कुछ गलती ना हो जाए तो कहीं अलग चला जाएगा। और बहुत ही सिक्योर है इसके लिए। आपको देखिए मेरे पास OTP आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो बैंक में भी वो भरना पड़ता है ना, वो देना पड़ेगा 4855।
प्रोसेसिंग पेमेंट हो रहा है। ओटीपी है 485513। ये थोड़ा बैंक का प्रोसेस है, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। देखिए ये प्रोसेसिंग बिल फेल्ड हो गया, किस लिए? योर पेमेंट बिल ड्यू टू टेम्पोरारीली टेक्निकल इशूज, ट्राई अगेन लेटर, नॉट इफ योर मनी इज डेडिकेटेड, योर बैंक विल बी रिफंड विथ 9 डेज। अच्छा, मेरे बैंक अकाउंट से ये कट चुका था, फिर भी योर बिल पेमेंट फेल, योर पेमेंट बिल ड्यू टू टेम्पोरारी टेक्निकल इशूज, योर अगेन लेटर, नॉट इफ यू मनी इज डेडिकेटेड, योर बैंक विल बी रिफंड 19 डेज। अच्छा, मेरे बैंक से कट चुका है, फिर भी बोल रहा है मेरे को दे देगा, ठीक है। तो मैं फिर एक रिट्राई मारता हूँ और फिर मैं देखता हूँ क्यों नहीं होता है। फिर प्रोसेसिंग पे जाता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को समझ आ जाएंगे कि होता क्या है एक्चुअली बिल पेमेंट करने के बाद और बिल पेमेंट करने के साथ साथ। फिर ओटीपी आ चुका है 3 4 9। मेरे को SMS में क्या दिखा रहा है देख लूंगा एक बार। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इंक्वायरली क्वार्टरली इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई फोन पे हैज बीन फेल्ड डेडिकेटेड 9 डेज रिफंड। गाइस, ये फोन पे ने आपकी अगर काट लेगी पैसा, वो 9 डेज के अंदर दे देता है, ये मैं भी नोटिस किया है। तो आप लोगों की बोलो। फिर और एक मेरे पास बिल है, वो भी हम देख ले रहा है। फिर जाता है और एक मेरे पास ID नंबर है, देखता उसमें 222156888 6888 कंफर्म करता हूँ। देखिए ये 92 है। अब मैं को CV देता हूँ 794। क्या है मेरा CV? 749 749 749। अच्छा, ये है बादल माइती 92, ठीक है। पेमेंट के लिए मैंने छोड़ा। सेवन 3 8 9 1 4।
देखता हूँ। अच्छा गाइस देखिए, ये बिल सक्सेस हो चुका है, बोल रहा है बिल पेमेंट सक्सेसफुल, योर बिल स्टेटस विल बी रिफिलेबल विल बिल्स पोर्टल विद इन 3 to 5 days। देखिए ये हो चुका है और शायद मेरे को एक SMS भी आ चुका है। ठीक है, मैं अब डन कर दूंगा। यहाँ पर हिस्ट्री में आप आ जाएंगे तो आपको देखिए 92 ये दिखा दिया सक्सेसफुल, और ये जो 2 है देखिए ये फेल्ड हो चुका है, ये भी फेल्ड हो चुका है। तो गाइस आपको शायद वीडियो अच्छा लगा और आपका थोड़ा भी हेल्प कर चुका हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे को आगे बढ़ने में मत रोकिए, सब्सक्राइब ना करके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल। और नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको और आगे भी जानकारी चाहिए, गूगल पे से कैसे रिचार्ज करना होता है, अमेजोन पे से कैसे रिचार्ज करना होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक से कैसे रिचार्ज करना होता है, सब कुछ में मैं बोल दूंगा। पेटीएम में भी कैसे रिचार्ज करना होता है, प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए। चलिए धन्यवाद।